वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 31 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 31 अगस्त के जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखा करें। और वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपसे क्विज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। आपका पहला क्वेश्चन है, गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा नवलेख प्लेटफॉर्म को। गूगल ने नई दिल्ली में आयोजित गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अपने चौथे संस्करण में परियोजना नवलेखा की घोषणा की है। क्षेत्रीय भाषाओं के भारतीय प्रकाशकों को अपनी सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए परियोजना नवलेखा लॉन्च की गई है। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल के प्रेजेंट सीईओ है सुंदर पिचाई और प्रेजेंट में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद। और ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में जिनसन जॉनसन ने कितने मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा 1500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल। और वहीं उन्होंने 800 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल भी जीता था। आपको दोनों में क्लियर याद रखना है कि गोल्ड मेडल कितने मीटर की रेस में जीता है और सिल्वर मेडल कितने मीटर की रेस में जीता है। और वहीं जिनसन जॉनसन का जन्म 15 मार्च 1991 को भारत के केरल राज्य में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें भारत ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था वे हैं हिमा दास, एम आर पुरुमामा, सरिता बेन गायकवाड़ और विस्मया वेलुवा कोरोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक से संबंधित है। और इन्होंने 18वें एशियाई खेलों में महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें भारत ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें कुनू मोहम्मद, धरुण आयासामी, मोहम्मद अनस और राजीव अरोकिया ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए $375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में माइक्रो हाइला कोडियाल नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है, इसका संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, माइक्रो हाइला कोडियाल मेंढक की एक नई प्रजाति है। और साथ ही आपको रिवाइज करना है कि कड़कनाथ किसकी एक प्रजाति है। कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति है जो मैंने पीछे करंट अफेयर के क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2018 की बिम्स्टेक देशों की बैठक आयोजित की जा रही है? तो इसमें आंसर आएगा नेपाल में। और यह बैठक 30 से 31 अगस्त को आयोजित की जा रही है। जैसा कि मैप में आप बिम्स्टेक की कंट्रिया को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं और ये हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। और ये सभी बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ स्थित है। और बिम्स्टेक के फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन या बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। और बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 में की गई थी और स्टार्टिंग में यह 4 देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड के आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन था। और इस संगठन
का स्थायी कार्यालय स्थित है ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और मूल रूप से यह व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी के 6 सेक्टरों पर आधार बनाकर सृजित किया गया था, परंतु बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश भर में सभी टोल प्लाजा पर वीआईपी कारों के लिए अलग से लेन बनाने के निर्देश जारी किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा मद्रास हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीईए ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत पर 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अम्ब्रेला योजना ओ स्मार्ट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 1623 करोड़ रुपए के लिए। और इस योजना में कुल 16 उप परियोजनाएं शामिल है जो समुद्री विकास गतिविधियों जैसे सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकना और विज्ञान को संबोधित करती है। और प्रेजेंट में भारत के नौवहन मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो इसमें आंसर आएगा असम सरकार ने। और अब सफा अशांत सेक्टर में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन चलाने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे स्टिप्जर स्पेस टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा इसका संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले वोस्तक 2018 नामक सैन्य अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा वोस्तक 2018 रूस से संबंधित सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ब्लैक होल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है यह एक वेस्ट मैनेजमेंट उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका निर्माण टेस्ला के द्वारा किया गया है। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में लागू सभी राजस्व कानूनों का विलय करके एक राजस्व अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस है हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के पहले कृषि सहकारी व्यापार फोरम की शुरुआत कहाँ की गई? आपके ऑप्शंस है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका और थिम्फू। और क्विज के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो ये थे 31 अगस्त के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम डेली करंट अफेयर की वीडियो की नेक्स्ट डोज लेके आएंगे। डेली करंट अफेयर की नेक्स्ट डोज वीडियो पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें।